तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस फोटो को एडिट करने वाले हैं। तो किस तरह करेंगे आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों हम यहाँ पर आपको मिलते हैं टकरी की वीडियो और फोटो एडिटिंग के बारे में। मेरा स्टूडियो जिस तरह मैं आप मुख्तलिफ फोटो एडिटिंग करता रहता हूँ, आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड आपको मालूम होगा, अगर आप मेरी पहली वीडियो देखते हो आपने कंट्रोल जे करना है, ठीक है। ये सबसे पहले मेरा, मैं यही करता हूँ, मैं जब भी कोई फोटो एडिट करनी चाहूँ मैं कंट्रोल जे करता हूँ। इसका ये बेनिफिट होता है यार, जब भी आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो एक इसके और भी फायदे होते हैं। अगर आप कोई इमेज एडिट कर रहे हैं उसके लिए आपको जो कापी ये होती है डुप्लीकेट लेयर करनी पड़ती है हर हाल में, तो ठीक है दोस्तों। तो अब इसके बाद क्या करना है, आपने एक कंट्रोल एम प्रेस करना अपने कीबोर्ड से। मैं यहाँ पर जाता हूँ एडजस्टमेंट में और यहाँ पर ठीक सिंपली, और यहाँ से इसकी लाइट तेज़ करता हूँ, ठीक है। लाइट तेज़ करने के बाद फ्रेंड आपके सामने लाइट तेज़ हो रही है। तो लाइट तेज़ करने के बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ से इसका जो ये वाला एरिया है ना, सब साइड वाला, ये रिमूव कर सकता हूँ, बट मैं नहीं करता अभी। कंट्रोल जे करते हैं और कंट्रोल यू करते फ्रेंड्स, कंट्रोल जे कंट्रोल यू। यहाँ से आपने ग्रीन को सिलेक्ट करना है, ग्रीन को सिलेक्ट करके इस तरह से मूव करना, ठीक है दोस्तों। तो आपको जहाँ पर अच्छा लगे आपने वहाँ पर देखना, मुझे इस तरह से यहाँ पर बेनिफिट कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। क्लिक करने के बाद आपने येलो पर क्लिक करना, येलो पर यहाँ से ये देखें तो जहाँ पर आपको ठीक लगे इस तरह से करते हैं फ्रेंड्स, ये देखें। तकरीबन मुझे लगता है यहाँ से मेरा अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो याद रखें कि बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं होना चाहिए आपका कलर, तो नॉर्मल होना चाहिए कलर। मैंने सिंपली यहाँ से ओके किया मैंने, और सिर्फ सिर्फ कंट्रोल जे और कंट्रोल यू पर क्लिक किया मैंने। तो यहाँ से इसे मैंने फिर और भी कलर चेंज यहाँ से कर सकता हूँ, मुझे जो भी कलर अच्छा लगता है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा इसकी जो फेस पर लाइट ज़्यादा आ रही है यहाँ से मैं, तो इसके यहाँ से ओके कर देते हैं, ठीक है। करने के बाद आप लेज़र टूल इस्तेमाल करते हुए फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाना है, जो इसकी फेस पर ये स्किन आपने यूज़ किया इस्तेमाल किया फ्रेंड्स कलर, इसे आपने मूव करना है इस तरह से। इस तरह से जैसे मैं रिमूव कर रहा हूँ बिल्कुल आपने इसी तरह से कर लेना फ्रेंड रिमूव। तो अच्छी तरह इसे रिमूव करना आपने बिल्कुल अच्छी तरह फ्रेंड, जैसा कि मैं कर रहा हूँ रिमूव। क्योंकि जितना आप उस पर एरिया पर अच्छी तरह फोकस करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो पिक है वो अच्छी बनेगी देखने को। तो यहाँ पर हमारी पिक हो चुकी है ओके फ्रेंड। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इसकी एडिटिंग करके, इसके फेस की एडिटिंग अब करते हैं हम। फ्रेंड फेस की एडिटिंग करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ से कंट्रोल एम प्रेस करना है। तो ये ऑलरेडी हम इसे लाइट दे चुके हैं फ्रेंड, यहाँ पर हमने सिलेक्शन कर लेनी इसकी फेस की इस टूल की मदद से फ्रेंड्स। करने के बाद हमने इस तरह से इसकी सिलेक्शन करनी है, तो यहाँ पर ये टूल इस्तेमाल करते हुए जो इस की पर क्लिक करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और फिर ये जो इसके हैं पर क्लिक कर लेते हैं हम इस तरह से, करने के बाद अब हम इस फिल्टर में जाते हैं, फिल्टर अप्लाई करते हैं इसमें फिल्टर। सॉरी दोस्तों, हम एक बार से कंट्रोल ई का यहाँ पर क्लिक करते हैं, आप फिल्टर अप्लाई ठीक होंगे हमारे, ये देखा ओके कितना हो चुका ब्लर हमारा इफेक्ट ओके। तो दोस्तों ये देखें कितनी स्किन आ चुकी है हमारे फेस पर। इस तरह आप हैंड्स को भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने किया,
और याद रखें हैंड्स को अच्छी तरह आपने करना जिस तरह मैं करता हूँ। कंट्रोल बैक करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। अगर आप एक और मैं मतलब बताता हूँ तो फ्रेंड, अगर आप इसका जो बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हैं तो आपने ये करना है, इस तरह से इस बैकग्राउंड की सिलेक्शन करनी है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो कंट्रोल एक बार ये करना आपने और यहाँ से इसे कर देना ब्लर, ब्लर में आना है और क्वेश्चन ब्लर का क्लिक करना है। आप जितना मर्जी ब्लर करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। करने के बाद आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आना है, यहाँ पर इसका ज़्यादा चार्ट जो है इसमें आना है और यहाँ से इसे हमने इस तरह से मूव करना है। आराम आराम से करना है क्योंकि हमारी थोड़ी सी मिस्टेक से हमारी जो इमेज है वो ख़राब हो सकती है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं आपके सामने मैं ब्लर भी कर दिया। दोस्तों इस तरह की फ़ोटो आप मुख्तलिफ एडिटिंग करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।